हेलो एवरीवन, कुछ बात कह रही थी आपसे तो सोचा इस छोटे से वीडियो में कह देता हूँ। आपको पता है हम लोग एलएलबी के साथ में, एलएलबी के बाद में प्रिपरेशन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं कि यार जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाए, कुछ ना कुछ तो हासिल कर ले, जज बन जाए, नहीं तो एपीपी बन जाए, नहीं हो सके तो जेलो बन जाए, एडीपीओ का ट्राई करें, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चलता रहता है। बट सच्चाई ये भी है कि अगर हमें किसी स्टेज पर आकर किसी चीज को हासिल करना है तो हमें उस स्टेज तक का कैलिबर भी डेवलप करना पड़ेगा, है ना। आज का जो जमाना चल रहा है, आज का जो कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में और पहले वाले कंपटीशन में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो नई टेक्निक, नए तरीके, नया अप्रोच, ये जरूरी होता है, चाहे वो सेक्शन को याद करने के लिए हो, चाहे वो एक तरीके से मेडिटेशन के जरिए चीजों को दिमाग में फिट रखने के लिए हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए हो, कुछ भी हो, जरूरी हर फील्ड में। और ये बात सिर्फ जुडिशरी के केस में नहीं, सब जगह लागू होती है। लिंकिंग जो आज से कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था आप सबके प्यार और स्नेह के साथ में, ये टेक्निक भी एक तरह का मॉडर्न अप्रोच है ना। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन के जरिए इस चीज को महसूस किया है। कल जयपुर के अंदर जो अनअकैडमी का स्टोर बना हुआ है, वहां पे सुबह 11 से 12 बजे, ध्यान से सुन लो, 11 से 12 बजे पहली बार ऐसा होगा कि वो लिंकिंग टेक्निक सारे स्टूडेंट की फिजिकल प्रेजेंस के अंदर आपके सामने रखने वाला हूं मैं। मजा आएगा। ओके, तो ये इवेंट एक्सक्लूसिव उन ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए होगी जो कल जयपुर या जयपुर के आसपास हैं और उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 11 बजे से पहले कैंडिडेट्स को वहां पर प्रेजेंट होना है, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर कोई ज्वाइन करे वगैरह मजा इतना नहीं आता है, पहले आना ठीक है, ताकि आपको सीट्स भी आराम से मिल सके, खड़ा नहीं रहना पड़े और अच्छे से इवेंट हो। सेकेंड चीज बताए, एक और वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आ ही रहे हो ना तो आपको एक बार और बता देता हूं मैं। कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो जाता है ना जुडिशरी के अंदर, तो वो अपने अपने तरीके से अपने टिक्स ट्रिक्स कह दीजिए, टिप्स कह दीजिए, है ना, टैक्टिक्स कह दीजिए, वो शेयर करता है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने रेगुलरली ये किया था, वो किया था, इसलिए मुझे सफलता हासिल होगी, ये नो नो वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें होती है। बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूं इस मामले में, मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, हर बंदा या बंदी अपने आप में यूनिक होते हैं। ओके, तो एक सॉरी ये वीडियो कॉल आ गया था, तो इनसे एक ना ऐसा इंटरेक्शन होने वाला है पहली बार, मैनी टू मैनी, इस तरफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इस तरफ सारे भावी जज साहब जो सेलेक्ट होने वाले भविष्य के अंदर, एक रियल टाइम इंटरेक्शन सीन बनेगा, रियल टाइम कन्वर्सेशन होगा, मजा आएगा। ओके, इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप जयपुर में रहते हैं या जयपुर के नियर बाई 100-150 किलोमीटर तक रहते हैं, तो कल इस इवेंट को अटेंड कीजिए, मजा आएगा। ओके, आप ज्वाइन करना नहीं करना उसके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं आपको, वो सब बात की चॉइस है ना। आपको कहीं भी कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बातें भी कल डिस्कस करने वाला हूं इसी सेमिनार के अंदर। मोटिवेशन, सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ लाइव इंटरेक्शन और पहली बार ऑफलाइन का सुपर तड़का, एक क्लास, एक ऑफलाइन क्लास, एविडेंस लॉ क्लास, ये सीन चलाएंगे।